तो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमान जो लगातार बने हुए हैं उनकी तरफ से एक बार फिर से रुख करते हैं, जो लगातार मौजूद है बने हुए हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, असीम वकार साहब एमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, धर्मेंद्र मलिक जी मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ मौजूद है, राजेश मिश्रा कांग्रेस का और शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला ये था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले अब्बा जान और उसके बाद फिर जो एंट्री हुई है, नई एंट्री हुई है, और वो है एमआईएम के ऊपर जो तोहमत लगाई खासतौर से भारतीय किसान यूनियन ने, वो उसी पर चचा जान पे, और इसी पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ जो शिवम त्यागी हैं वो बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। जी शिवम, अरे उनसे कहो मुझे ले लें, मैं भी जाऊं छोड़ू। शिवम, शिवम त्यागी शिवम, आपको हमारी आवाज आ रही है? शिवम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी हाँ, अब आप कह रहे थे, जी बताइए। प्रतीक जी मैं बीच में नहीं था, कॉल में नहीं था, तो मुझे आप एक बार अगर सवाल दोहरा अच्छा, देंगे तो मुझे राइट। हाँ। चचा जान की एंट्री पे बात हो रही थी और जो मुद्दा था उत्तर प्रदेश में चुनाव में एक के बाद एक जैसी एंट्रीज हो रही है, और उसके बाद ये कहा गया कि भाई किसी ने कहा कि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं, क्या भारतीय किसान यूनियन के लोग चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई पड़ जाएं। जी जी नहीं देखिए प्रतीक जी, एक चीज अगर कोई ये सोचता है इस पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, न्यूज 18 के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि ये किसान आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़े हैं, तो या तो वो देखना नहीं चाहता, उसने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अंधे व्यक्ति को शायद हो सकता है कि उसकी आंखें ठीक की जा सकती है, लेकिन जो देखना ही ना चाहता वो बात अलग है। ये पूरा देश समझ ले, ये लोग पूरी तरीके से पॉलिटिकल हैं, इन लोगों ने पूर्व में पूरी तरीके से चुनाव लड़े हैं और ये आगे भी चुनाव लड़ेंगे। आप अगर आप कहो तो मैं अभी खून से लिखकर आपको भेज देता हूं, रख लीजिएगा, जिस दिन ये चुनाव का पर्चा भरेंगे नहीं लड़ेंगे चुनाव। भाई धर्मेंद्र मलिक साहब बोल दिए नहीं लड़ूंगा मैं। सर ये झूठे लोग हैं, आप किनकी बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं कहिए। पूछिए जिला पंचायत में इनके कैंडिडेट थे कि नहीं थे, संयुक्त किसान मोर्चा के? धर्मेंद्र मलिक साहब ने साफ बोला के, कांग्रेस के, मैं आ रहा हूँ राजेश भाई, आ रहा हूँ राजेश भाई, आ रहा हूँ। पूछ लीजिए आप इनका कैंडिडेट था कि नहीं था, मैं आपसे इंतजार। धर्मेंद्र मलिक, धर्मेंद्र मलिक, धर्मेंद्र मलिक, मुझे लगता है धर्मेंद्र मलिक के पास मेरी ऑडियो नहीं जा रही है। जी राजेश जी, सर ऑडियो जा रही है, ऑडियो मैं जा रही, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा उनसे। धर्मेंद्र मलिक के पास ऑडियो नहीं गई मेरी। राजेश जी अलर्ट बैठे हैं बहुत देर से। जी राजेश जी, जी अभी भारतीय जनता, आपके ब्रेक के पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका डिबेट उनका सुन रहा था। जी जी जनाब। और अभी त्यागी जी ने भी कुछ बोला है। देखिए पिछले 9 महीने से दिल्ली के चारों तरफ हिंदुस्तान का किसान बैठा हुआ है, हमें लगता है कि हजारों की संख्या में किसान शहीद हो चुके हैं, और किसानों की मांग है कि जो कृषि कानून है उसे वापस ले लिया जाए, और सरकार से वो वार्ता करना चाहते हैं, वार्ता का इंतजार कर रहे हैं, और वार्ता सरकार कर नहीं रही है। और आज ये कहा जाए कि अब तो पूरा हिंदुस्तान आपको सुन लिया, आपने न्यूज 18 पे बोल दिया, आप लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, इससे काम नहीं चलता। वो पूरे देश का किसान वहां मौजूद है, बात हो रही है कृषि कानून। राजेश जी, अमरिंदर जी तो कह रहे हैं कि जाइए दिल्ली में करिए, यहाँ पंजाब में मत करिए, क्योंकि हमको बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, वो देखिए वो अमरिंदर जी का मामला है, वो चाहेंगे कि हमारे यहाँ से दिल्ली चले जाए, क्योंकि ये कानून तो किसान का फुटबॉल हो गया। राजेश जी फुटबॉल हो गया कि इधर से मारिए उधर से मारिए, किधर उधर चले जाइए। किसान प्रदीप भाई, किसान फुटबॉल नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह किसानों की बेइज्जती की जा रही है, जो किसान जो अमरिंदर जी ने, अमरिंदर जी ने जो कहा वो आप में क्या किसान परेशान नहीं है? जो ये लोग बोल रहे हैं, पंजाब का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एक किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन नहीं करता है, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए राजेश जी की बात सुन लीजिए। बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था, मैं बोलूंगा तो आपकी आवाज बंद हो जाएगी। राजेश जी की बात सुनिए, राजेश जी की बात सुन लीजिए, राजेश जी की बात सुन लीजिए। किसान जो है वो भारत सरकार से, भारत सरकार के खिलाफ खड़ा है, कृषि कानून भारत सरकार ने बनाया है और इसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ वो बैठे हैं, और जब दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं तो भारत सरकार 9 महीने से
क्या कर रही हो, किसानों से बात नहीं कर सकती? हजारों किसान शहीद हो गए और अभी भी बहस हो रही है कि किसान ये किसान नेता चुनाव लड़ेंगे, किसान नेता चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में सुनिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, वो चुनाव लड़े न लड़े ये उनका विषय है, उन नेताओं का विषय है, लेकिन किसानों पे तो बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इस तरह किसानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो राजनीतिक विशेषक बैठ के जिस तरह किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये सबसे शर्मनाक बात है और इसका जवाब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किसान देगा। ठीक है शिवम, आप वेट करिए, शिवम आप वेट करिए जी। राजीव जेटली, राजीव जेटली, केंद्र ने बनाया है कानून, हालांकि राज्य के बहुत सारे उस पे हिस्सेदारी है राज्यों की, लेकिन ठीक है, कानून का केंद्र का कानून है। जी बोलिए राजीव जी। इन्हें बोलिए, राहुल गांधी को बोलिए कि पंजाब में जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं जो किसानों का अनाज, किसानों की फसल खरीदते हैं, उन्हें बाहर कर दे, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, क्योंकि इसी के तो खिलाफ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री करके दिखाए, राहुल गांधी कपड़े पंजाब के किसान, अरे यार आपकी सरकार चल रही है कि नहीं चल रही बताइए, आपकी सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट? अरे आप बीच में ऐसा नहीं होता, ये क्या है, क्या तरीका है? आप सरकार की बात नहीं करेंगे तो विपक्ष में उसकी बात करेंगे। सरकार ने कानून बनाया है, आज की तारीख में किसान सरकार से जवाब चाहेगा, वो विपक्ष से नहीं चाहेगा, वो राहुल गांधी से नहीं चाहेगा, वो जवाब सरकार से चाहेगा और सरकार को जवाब देना होगा। आपने सुनते हैं या अपने आप ही बोलते चले जाते हैं? मैं बोल क्या रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए पहले। आप सरकार की बात क्यों नहीं करते? आप कहिए ना कि सरकार ने कानून बनाया, उसको वापस ले, आप क्यों नहीं बोलते? आप सरकार पे बोलेंगे नहीं और ले देंगे घूम टहल के आप चले आएंगे। राहुल गांधी प्रदीप जी, मैं क्या जी सुनिए जी, बोलिए राजीव जी, बोलिए क्या, मैं क्या राजीव जी बोलिए, आप राजेश जी सुनिए, राजेश जी सुनिए जी, राजीव जी बोलिए जी। मैंने इनसे कहा कि पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, क्या पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो क्या राहुल गांधी जी पंजाब से पेप्सी कोला और सारे उन कंपनियों को बाहर करेंगे जो किसानों से उनका अनाज या उनकी फसल खरीद